नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार, बिहार, बिहार। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको जिनसे आज मैं मिलवाने वाली हूं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं बड़े इत्मीनान से अब आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा क्योंकि जिनके बारे में अभी मैं आपसे अपनी बातें साझा करने वाली हूं वो बेहद ही ख़ास है बेहूसराय का एक बच्चा जिसके दिल और दिमाग में शुरुआत से यही बात थी कि उसे कुछ अलग करना है कुछ मुख्तल करना है कुछ भिन्न करना है बाकियों से अलग करना है और इसी क्रम में उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी होती है और जब पढ़ाई लिखाई पूरी होती है तो जैसा कि आपको पता है हर बिहारी घर में इसी बात पर चर्चा होती है कि यू की तैयारी तो ज़रूर करनी पड़ेगी लेकिन बच्चे के मन में ये भाव था कि कुछ अलग है और कुछ ऐसा अलग करना है जो कि फलक पर उसका नाम अलग तरीके से लिखे और इसी क्रम में घर से वो बाहर निकलते हैं बेगूसराय से बाहर निकलते हैं शुरुआती पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं घर वालों से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और उसके बाद पहुंच आते हैं पटना शहर और इस राजधानी में आने के बाद जिंदगी बदल जाती है पत्रकारिता में कदम रखते हैं और लंबा वक्त तकरीबन कुछ पंद्रह सत्रह सालों का वक्त वो पत्रकारिता में देते हैं और एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं कई सारे शख्सियतों का इंटरव्यू करते हैं जाने माने चैनलों में काम करते हैं और उसके बाद इस बच्चे का जो बाल मन था जो शुरुआत में जिस बेगूसराय से वो आगे निकला था और ये सोचकर निकला था कि कुछ अलग करना है उसी क्रम में जब पत्रकारिता से भी दिल कहीं कुछ भर आया तो लगा कि चलो आगे चलते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो मन करता है कि अब कुछ लिखा जाए अब कुछ रचा जाए और जब लिखने और रचने की बात आती है तो शुरुआत होती है छोटी छोटी नज़मों से नज़में लिखते हैं गज़लें लिखते हैं और ये सारी नज़में और गज़लें उन्हें बहुत पॉपुलर बनाती हैं और अगर मैं बात करूं अगर मंचों की तो वहाँ खूब सारी तालियाँ वो बटोरते हैं और यहाँ से मन करता है कि अब पत्रकारिता को छोड़ देते हैं अब कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं कुछ अच्छा करते हैं और उसके साथ ही ये दौर शुरू होता है जहाँ उन्होंने कई सारे नावल्स लिखे कविताएँ लिखी नज़में लिखी गज़लें लिखी और उसके साथ आगे ये सिलसिला यहाँ तक भी नहीं रुकता है सिलसिला आगे बढ़ता है और अब मन करता है कि कुछ गीत लिखे जाएं। फ़िल्मी सफ़र की तरफ़ बढ़ने का दिल करता है और लगता है कि अब ये राजधानी उनके लिए छोटी पड़ रही होती है और यहाँ से वो निकल करके पहुँच जाते हैं बम्बई यानी मुंबई इस महानगरी में पहुँचने के बाद सिलसिला आगे बढ़ता है कई सारे काम मिलते हैं और कई सारे फिल्मों में वो गाने लिखते हैं तो ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको इतने फास्ट फॉरवर्ड में बताई है इसे अब बड़े इतमान से समझने की कोशिश करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में मैं ये बात बता रही हूँ जी हाँ तो कार्यक्रम में आज हम स्वागत कर रहे हैं नीलांशु रंजन जी का जो पत्रकार रहे हैं शायर रहे हैं और जाने माने गीतकार रहे हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया और बिहार बिहार के सभी नाजरीन हाजरीन को मैं आदाब अदा करता हूँ सलाम अदा करता हूँ तस्लीम अर्ज़ करता हूँ और खुश कहता हूँ जी जी सर बहुत अच्छा लग रहा है आप आज सामने बैठे हैं और आपका ही इतना शानदार परिचय चल रहा था और जैसा कि मैंने कहा कि कहानी मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड की है अब ज़रा इतमान से बात करेंगे और जब बात इतमान से बात करने की आती है तो शुरू से शुरू करते हैं बेगूसराय से में जब आप रह रहे थे कैसा था वहाँ का पूरा माहौल और कैसे लगा कि कुछ अलग करना है और ये ये जो महत्वाकांक्षा थी वो क्यों रुक नहीं रही थी थम नहीं रही थी और लग रहा था कि जीवन में कुछ अलग करना है लोगों से अलग करना है बाकियों से अलग करना है जी रचना जी जो तारुफ में आपने तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बात ही कही और ये सही है कि बेगूसराय अब तो खैर अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया लेकिन उस वक़्त जब मैं छोटा था और पढ़ाई कर रहा था तो बेगूसराय कोई बहुत बड़ा शहर था नहीं छोटा सा ज़िला था वो जो है और हमारे स्कूल का भी माहौल कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ वो उस तरह की मतलब सोसाइटी के लोग आ रहे हैं है। देहात के भी थे कस्बा के भी थे उस तरह के थे लेकिन उन लोगों के दरमिया रहते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो है आ, कुछ बातें चलती थी और मैं मैं सपने देखता था मैं खुली आँखों से मैं ख़्वाब देखता था और एक मुझे एक लगता था कि नहीं मुझे कुछ मख्तल करना है बचपन से ये मेरे दिमाग में आया कैसे आया क्यों आया लेकिन हाँ कुछ अलग करना है और कुछ अपनी पहचान बनानी है जाते जाते कुछ अपना निशान छोड़ जाना है तो ये मेरे दिमाग में था और ये मुसलसल ये चलता रहता था लेकिन कैसे करना है क्या करना है वो वो धीरे धीरे वो मंजर वो साफ़ होता चला गया शुरू में तो बहुत साफ़ नहीं था लेकिन हाँ वो था मेरे दिमाग में कि कुछ करना है और कुछ करना है तो वो करते करते बेगूसराय से पटना जैसा कि आपने कहा कि पटना से मुंबई और अब देखिए आगे का सफर कैसा रहता है सफर जारी है ऑफ कोर्स मकाम नहीं मिला है अभी लेकिन सफर जारी है। जी। और सफ़र ही सबसे ख़ास बात होती है सर और सफ़र में जब आप रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेते हैं ज़रा कम पाएंगे या ज़रा ज़्यादा पाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ पाते तो ज़रूर हैं एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब तैयारी की बात चल रही थी घर में कि अब यू के लिए तैयारी करना है पढ़ना है और वहाँ मन कर रहा था कि कुछ अलग करना है तो ये पत्रकारिता आपने कैसे चुनी क्योंकि जिस दौर में आपने पत्रकारिता की है वो दौर भी बहुत अलग था पत्रकार अलग थे लोग अलग थे समाज भी अलग था तो तो पत्रकारिता को ही आपने क्यों चुना जी यूपीएससी का तो था मेरे मतलब मेरे परिवार वालों को यूपीएससी तो और दिया भी मैंने और संयोग से पीटी निकल भी क्या मेरा जो है हुँ. लेकिन खैर उसमें मैं बहुत ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाया लेकिन एक वाक मैं बता देता हूँ कि बचपन से जो उस समय तो रेडियो था दूरदर्शन का तो जमाना भी नहीं था तो रेडियो पर समाचार वगैरह आया करता था तो एक समाचार वाचक हुआ करते थे अनंत कुमार सिन्हा वो आता था कि अब आप अनंत कुमार सिन्हा से समाचार सुनिए और मैं छुटपन में ही वो जो है वो आवाज़ मुझे खींचती थी और मुझे लगता था काश मेरी आवाज़ भी इस तरह से जो है आकाशवाणी में जाए और गूंजे इस तरह से जो है तो वो बात मेरे जहन में मेरे मतलब जहनों दिल में वो बात बैठ गई और मुझे लगा कि नहीं ये इस तरह की आवाज़ मेरी भी गूंजनी चाहिए तो फिर बाद में जो है जब मैं बड़ा हुआ तो फिर अखबार से जुड़ना चाहा, लेकिन उस वक्त जो है वो टीवी मीडियम आ चुका था जब मैं आया था कॉलेज वगैरह में मैं पास आउट हो गया तो टीवी मीडियम धीरे धीरे आ रहा था जो है तो मुझे लगा कि नहीं मुझे टीवी से जुड़ना है और मुझे वहाँ अपनी पहचान बनानी है लोग मुझे पहचाने, जब मैं कहीं निकलूँ तो लोग कह हाँ ये नीलांशु रंजन है तो वो पहचान वो बनाने का वो एक थी मेरे मन में एक ज़िद्द थी और जिद्दोजहद उसी को लेकर वो जारी भी रहा तो देखिए कैसा क्या रहता आगे का सफ़र जो है जी और पत्रकारिता से क्यों मन भर गया सर एक अच्छी जगह पर आप थे और साथ ही आप, साथ आपने जैसा कि कहा कि आपको छा जाना था दिखना था कहीं आपने टेलीविजन को चुना एंकरिंग को चुना और कई सारे बड़े शख्सियतों के आपने इंटरव्यूज़ किए और लंबा समय आपने दिया टेलीविजन जर्नलिज्म में और उसके बाद वहाँ से निकल करके अदब की दुनिया इस दुनिया में इतना शिफ्ट कैसे आ गया मतलब ये एकदम चेंज हो जाने वाली बात है हालांकि चूंकि आप टेलीविजन जर्नलिज्म में रहें तो लिखते पढ़ते तो रहे ही होंगे लेकिन अदब की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग बिल्कुल दुनिया है उससे आपका रहा कैसे हुआ ऐसा है कि जब मैं टीवी में आया और ख़ासकर जब मैं ई में जब मैंने कदम रखा और तो ये तो सही बात है कि ई ने मुझे एक नई पहचान दी एक मतलब वहाँ नया मतलब एक नई परवाज भरने का मुझे, मुझे मौका मिला जो है ई में और एक अच्छी खासी पहचान मिली आम लोगों के बीच में भी सियासत के बीच में भी तो ई टी मैंने अपनी ख़ास पहचान बनाई और ख़ास मतलब जो एक मेरा जो कार्यक्रम मतलब जो थे मेरे आ, मतलब वीकली साप्ताहिक कार्यक्रम थे आमने सामने तो खासकर उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो मुझे एक ख़ास पहचान मिली लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक है मैं कर तो रहा हूँ मैं तो जो मैं चाहता था तो मैं वहाँ आ भी गया उस क्षेत्र में आ भी गया लेकिन मुझे लगा कि कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है मेरे अंदर जो है लग रहा था कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था मुझे लगा कि क्रिएटिविटी जो है वो जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं है और वही हर दिन वही पॉलिटिकल रिपोर्ट वही पॉलिटिशियंस से बातचीत करना तो मुझे लगा कि नहीं ये कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है तो क्रिएटिव करने की एक जो चाहत एक ख्वाहिश मेरे मन में जागी तो उसके बाद मैं अदब से मैं जुड़ा मैं उसके बाद मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया शायरों को पढ़ना शुरू किया जो है और वो मुझे उसने मुझे मतलब अपनी तरफ खींचा जो है तो मैंने लिखने की कोशिश की धीरे 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 मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर मैं मुशारे में मैंने जाना शुरू किया फिर वहाँ भी मुझे दाद मिलनी शुरू हो गई लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी आवाज़ आपका प्रजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत है तो ये बातों से मुझे निश्चित तौर पर मुझे जो है इनक्रेजमेंट मिला जो है तो उसके बाद मैंने धीरे 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 मैंने जो है सो पत्रकारिता को हाशिए पे रखा और मैं इधर आ गया अदब की दुनिया में आ गया हालांकि परेशानियां बहुत आई जो दुशवारियाँ हैं आप एक मतलब जो है आपको एक नौकरी रहती है वहाँ आपको पैसे आ रहे हैं सब कुछ हाँ। आ रहे हैं तो उसको छोड़ करके आप ऐसे दुनिया में आते हैं तो परेशानियाँ आती हैं दुशवारियाँ आती हैं लेकिन चूंकि मेरी वाइफ जो है वो जॉब में है वो सैलरीड हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम अगर तुम चाहते हो तो यू चेज योर ड्रीम्स तो उन्होंने मेरी मदद की उन्होंने कहा कि तुम करो तुम जाओ तो निश्चित तौर पर एक एक सहारा था मुझे एक संभव था तो मैं छोड़ के अदब की दुनिया में आया और मैं फिर वहाँ से वो सफर जारी शुरू हुआ जी जी आ, अदब की दुनिया की और भी खूब सारी बातें नज्मों की बातें गजलों की बातें आपके उपन्यास की बातें हम आगे करेंगे लेकिन आपसे अभी कुछ सुनना भी चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो कोई ऐसी नज़म जो शुरुआती दौर में आपने लिखी हो या अभी भी अगर आपने कभी लिखी हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जी नज़में तो मैंने बहुत लिखी हैं जी मेरी नजमों का एक मजमू आ भी चुका है यह है रात खामोशी और तुम जी ये रात खामोशी और तुम और अभी मतलब इतनी नजमें मेरे पास हैं कि इसके दो 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 संग्रह दो 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 आ सकते हैं अच्छा। तो फिलहाल तो ये है रात खामोशी और तुम ये जो है तो आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ उद्यान की एक नज़म है कभी कभी तो उसी से मैं मुतासर होकर मैंने भी एक नजम लिखी अच्छा। जिसका है कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता ना तेरे आने की खुशी होती न तेरे जाने का गम होता न दर्द इश्क की खलिस होती न सिसकती मोहब्बत की कोई रंजिश होती कुछ भी तो ना होता कुछ भी तो ना होता कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है न तेरी मुस्कुराहट में मेरी सांसें ठहरती न, न मेरी आवाज़ तेरी रूह को छूती न तेरी खामोशी का होता कुछ भी तो ना होता ना कोई वादा पशेमा होता कुछ भी तो ना होता hmm. जो काजल डाला था मैंने कभी तेरी आँखों में वो आज भी लरसता है जो काजल डाला था कभी मैंने तेरी आँखों में वो आज भी लरसता है वो चाँद जिसे देखते हुए तेरे होठों को छुआ था मैंने वो आज भी तकता है मेरी उंगली में तेरे होठों का वो लम्स आज भी थरथराता है कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि तू ना होती तो क्या होता न तेरे आने की खुशी होती न तेरे जाने का, का गम होता, होता। वाह क्या बात है क्या बात है बेहद ही खूबसूरत सर बहुत शानदार और जब आपकी नज़मों को और आपकी इस पूरी बात को जब मैं सुन रही थी तो उसमें जिक्र आया चाँद का और चांद के साथ इश्क का भी जिक्र है <laughs> और जब आप लिखते हैं तो इश्क और चांद इतना क्यों है क्यों आपको इतना लगाव है उनसे क्योंकि कहते हैं कि जो कवि है या लेखक है साहित्यकार है वो प्रकृति प्रेमी तो होते ही हैं लेकिन आपने उस प्रकृति में से चांद को ही क्यों चुना आपको क्यों लगा कि चांद बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कई सारी रचनाओं में चांद नजर आता है चांद मेरे मतलब नजमो में चांद का जिक्र हुआ है तो चांद से मेरा खास रबा है वैसे ही रबता है जैसे आपका रबता माशुका से होता है या माशूक से होता है वही रबता मेरा चांद से और चांद से ऐसा है तर... कि आप मेरी नजमों में देखेंगी कि चांद कभी मेरी खिड़की पे आता है कभी मेरे सिरहाने बैठता है कभी मेरे साथ भी सोता है कभी शिकवा शिकायत भी करता है तो चांद से बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है और चांद को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ चांद मुझे नहीं छोड़ पा रहा है तो आगे भी मुझे लगता है कि जितनी नजमें आएंगी उसमें और लोग कहते भी हैं कि आपकी नजमों में पता नहीं ये चाँद कहाँ से आ जाता है चाँद का जिक्र होता रहता है तो चांद से खास रहा है मेरा जी। और मैं देखता भी रहता हूँ चांद को खासकर जब पूनम का चांद होता है या जिस तरह का होता है तो मैं उसे देखता रहता तो। हूँ जी जी आ, सर नजमों पे बात हो रही थी गजलों पे बात अभी हम कर रहे थे उपन्यास पर आते हैं आपने कई सारे उपन्यास लिखे हैं अभी आपका एक हालिया उपन्यास भी आने वाला है क्या कुछ बताना चाहते हैं उस उपन्यास के बारे में जी दिसंबर में, में मेरा तीसरा उपन्यास आ रहा है माई पापा इज ग्रेट अच्छा माई पापा इस ग्रह हिंदी में ही है नाम तो माँ पापा अच्छा, अच्छा। लेकिन ये हिंदी में ये उपन्यास है ये और ये एक बाप बेटी के बीच का रिश्ता है बहुत ही इमोशनल रिश्ता है जी, जी। और ये रिश्ता तब बनता है कि जब वो जो बाप है उसकी वाइफ जो है उसे छोड़कर चली जाती है किसी और के साथ लेव में रहने लगती है क्योंकि उसकी उसकी जो महत्वाकांक्षा अच्छा। है वो बहुत बड़ी वो चाहती है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो महंगी महंगी गाड़ियाँ हो नौकर चाकर हो और ये वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है ठीक है वो ए, ये वो थिएटर आर्टिस्ट है उतने पैसे नहीं है लेकिन वो मोहब्बत बहुत करता है अपनी पत्नी हुँ, से हुँ, हुँ। लेकिन वो नहीं उसको उसमें पैसे चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब धन चाहिए पैसे चाहिए ऐशो आराम चाहिए तो वो पति को छोड़ चली जाती है एक अरब पति के पास लिव इन में रहने लगती है और चाहती कि मैं बेटी को भी ले जाऊँ लेकिन बेटी नहीं जाती है बेटी बाप के साथ रह जाती है और बेटी को लगता है कि मेरे बाप के पास जो खुददारी है जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेरी माँ के पास नहीं और वो अपने फादर के साथ रह जाती है अच्छा। और जो बार बार कहती है कि माई पापा इज ग्रेट और वो प्रूव है आखिर में आकर उपन्यास के आखिर में आकर वो प्रूव करती है कि माई पापा इज ग्रेट अब तो मुझे लगता है कि जो पाठक हैं वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजरेंगे उस पूरे उपन्यास से आ, अगर मैं आपके पहले उपन्यास की भी चर्चा करूं सर तो उसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा है इसमें लिव इन की चर्चा है आ, क्या ये आपको एक समस्या लगती है इस दौर की या, या आप इससे क्यों इतना मुतासर है क्यों ये हर नावल में ये एक छोटा सा हिस्सा रह रहा है हाँ वो जो पहला नावल है खामोश लम्हों का सफ़र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है आ, मुझे लगता है कि विवाहतर प्रेम जो है आज के दौर की वो हकीकत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये सौ फीसद है लेकिन ज्यादातर आप देखेंगी कि और खासकर महानगरों में तो खासकर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बहुत आम बात हो गई है लेकिन मैं एक फ़र्क करना चाहूँगा उसमें अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में मेरा जो नॉवल है वो पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहाँ कोई सेक्सुअल uh, रिलेशनशिप का कोई मतलब तकाजा नहीं इमोशनल है।, है वो जुड़ता है ये बस एक जस्ट चांस वो कोई इंसिडेंस है कि वहाँ नायिका भी शादीशुदा है और नायक भी शादीशुदा है हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन वो अफेयर है रिलेशनशिप नहीं है रिलेशनशिप में जब आप होते हैं तो जरूर नहीं है कि आपका वहाँ वहाँ इश्क हो मोहब्बत हो हुँ. या कोई मतलब इमोशनल रिलेशनशिप हो वहां पे लेकिन यहाँ इमोशनल रिलेशनशिप है हुँ. तो खामोश लम्हों का सफ़र और वो सफ़र जो है बड़ी खामोशी से चल रहा है जहाँ किसी को एहसास भी नहीं होता कि ये चल रहा है ऑफकोर्स बाद में जो नायिका के उसके पति को भी पता चलता है पत्नी को भी कुछ शक हो रहा है कि कुछ मामला जो है कुछ गड़बड़ है तो वही है लेकिन हाँ ये है कि वो नावल लोगों ने बहुत पसंद किया जी। और मुझे उस पर काफी फोन भी आए पूरे मतलब पूरे देश से कई शहरों से फोन आए लोगों ने कहा कि जब मैं उस नावल को मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आ, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ उस तरह से वो मंजर गुजर रहा है उस तरह मैं चाहूँगा आप भी कभी पढ़िएगा तो मुझे बताइएगा आप जो है सो अपना रद्द अमल दीजिएगा कैसा लगा आपको वो नॉवल सर अभी तक जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें मुंबई कहीं नहीं नज़र आ रहा है अब चलते हैं ज़रा मुंबई की तरफ और आप मुंबई की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ आप गीत लिखना शुरू करते हैं और गीत एक सर्टेन मीटर पर लिखा जाता है एक तरीके से लिखा जाता है एक ट्यून के साथ लिखा जाता है गीतों के तरफ कैसे रुझान हुआ और कैसे लगा कि हम भी इस मीटर पर और इस ट्यून पर कुछ लिख पाएंगे या फिट बैठ पाएंगे हाँ गीत लिखने बिल्कुल सही कहा लिरिक्स जो है वो बिल्कुल अलग क्राफ्ट है उसमें भी वो मीटर देखा जाता है उसमें भी र काफ़िया और रदीफ वगैरह मिलाए जाते हैं जो जो मतलब मुखड़े का जो आखिरी लाइन है उसमें मिलाया जाता है तो बिल्कुल एक नया क्राफ़्ट है वो भी जो है सो मैंने लिखना क्यों शुरू किया कैसे शुरू किया ये आपने आपका ये सवाल है तो जब मैं मुशायरे में जाता था तो वहाँ जो वहाँ जो नाजरीन होते थे जो दर्शक होते थे उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी नजमें करते हैं मुझे लगता है कि आप गीत भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं अच्छा तो मैंने कोशिश की मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने कुछ कोशिश की लोगों में कुछ लोगों से दिखाया तो उसने कुछ बताया कि हाँ इसमें ऐसे सुधार हो ऐसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फिर धीरे धीरे मैं मतलब उस क्राफ्ट को मैं समझने लग गया मैं। उसके बाद तो मुझे पूरी तरह से मैं समझ में आने लगा कि वो कैसे लिखा जाता है तो बहुत सारे गीत लिखे हैं और अभी मुंबई में तो कई मतलब कई जगहों पर मेरी बातचीत भी चल रही है कविता सेठ एक बड़ी सिंगर हैं सूफी सिंगर और गजल सिंगर है। हाँ। उन्होंने मेरा एक गीत जो है सो कॉम्पोज भी किया है मुखड़ा किया है कॉम्पोज अच्छा। और अभी फाइनली भी आना बाकी है लेकिन उन्होंने पसंद किया उसको जो है फिर उसके बाद जो है अभी एक फिल्म भी आ रही है देवदास पे बेस्ड है वो देव इन डार्क अच्छा वो मुझे लगता है कि वो मार्च में वो फिल्म रिलीज होगी वो जो है और यही बिहार के वो डायरेक्टर है उसमें भी मैंने एक गीत उसके लिए भी लिखा है उन्होंने सिचुएशन बताया कैसे से ये है इस इस पे पे आप सिचुएशन अच्छा। तो मैंने उनको लिख के दिया पसंद भी आया मुझे लगता है कि संभव तो बातचीत चल रही उनकी शान से शान गाएंगे अब देखते हैं कौन गाते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग जनवरी में है तो इनशाला वो मुझे लगता है कि वो मार्च में जब फिल्म आएगी तो उसमें आपको मेरे गीत सुनाई पड़ेंगे और भी कई लोगों से मेरी बातचीत चल रही है और देखिए सर बात अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो ये जो आपकी कहानियाँ हैं या ये जो आपके नॉवेल्स हैं इसे अगर अगर कोशिश किया जाए कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए शॉर्ट फिल्म या एक पूरी की पूरी फीचर फिल्म भी बनाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं नजर आती है क्योंकि कहानी में इतने आ, इतने एंगल्स हैं और साथ ही साथ कहानी में जो क्लाइमेक्स है वो इतना शानदार रहता है जो आप लिखते हैं या जो आपके नॉवेल्स हैं तो उस पर फिल्में भी बन सकती हैं तो क्या फिल्में बनाने का कोई विचार है हाँ, कि नॉवेल्स या इन कहानियों मैं जो मुंबई में रह रहा तो सिर्फ मतलब एक चीज को लेकर नहीं रह रहा हूँ मुझे गीत लिखना है जी मेरे साथ मतलब सहयोग से ये कह लीजिए कि डायमेंस कहीं है मैं, मत, मैं, 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 खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कहानियां भी लिखता हूँ बिल्कुल नज्मे भी लिखता हूँ गीत भी लिखता हूँ डायलॉग भी लिखने की बात मतलब अगर मैं आ तो डायलॉग भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि जो आप नॉवल मेरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब मैं संवाद भी लिख सकता हूँ तो फिल्म मतलब जो कहानियाँ हैं मतलब खासकर मेरी कुछ कहानियाँ हैं मेरे नॉवल हैं उनको लेकर भी बातचीत चल रही है ऑफकोर्स अभी बात मतलब फाइनल नहीं हुई है लेकिन अंदाज़ मैं करता हूँ अंदाजन कि वो हो जाना चाहिए और मेरी एक कहानी आई थी पाखी में एक डेढ़ साल पहले काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल भी कहानी हो गई थी वो खरोंचे अच्छा तो उसको लेके भी बातचीत थोड़ी बहुत ही हो तो तो मतलब मतलब रही है हाँ, फुल तो अभी उनको प्रोड्यूसर फाइनेंसर से बातचीत चल रही है कहानी उन्हें बहुत पसंद आई है और कहानी बहुत भी बोल्ड भी है लेकिन देखिए उसका कैसा रिएक्शन रहता है फिर मेरा ये जो दूसरा नॉवेल है फासले दर फासले इसको लेके भी दो तीन लोगों से मेरी बातचीत हुई है एक जगह तो तकरीबन वो फाइनल हो चुका है तकरीबन जी, जी, लेकिन जी। वो देखिए ये जो है ये कम्युनल राइट पे है और कम्युनल मतलब जिस डिसहारमोनी पे है किस तरह से हो रहा है लेकिन इसके पस मंजर में ये कम्युनल राइट भी चल रहा है इसके पस मंजर में जो एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी चल रही है जिस पे भी बातचीत चल रही है तो देखिए कैसे क्या होता है अभी अनुभव सिन्हा एक बड़े डायरेक्टर हैं जी बिल्कुल उनको मैंने दिया है ये फासले दर हुँ, हुँ। तो उनसे भी बातचीत तो बनाई है? है मैंने कहा कि मतलब सफर जारी है मंजिल कहाँ तक कैसे क्या मिल पाता है तो कोशिश मैं कर और लोग ओ टी टी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं लोग में कम जा रहे है तो क्या वेब सीरीज लिखने का कोई प्लान है लिख चुका हूँ अच्छा। प्लान ही नहीं है मैं जब मुंबई पहुंचा तो मुंबई पहुंचते छह महीने के बाद मैंने एक वेब सीरीज लिखा था वो पॉलिटिकल वेब अच्छा राजनीति एक धर्म युद्ध उसका मैंने चाय चल दिया हो सकता है बाद में नाम बदल जाए जी, जी। तो मैंने वो लिखा है और वो देखी चूंकि वो भी पूरी तरह से वो जो एक सियासत बेस्ड है वो पॉलिटिकल बेस्ड है वो जो कैसे होता है और उसमें जो है प्रोटेगोलिस्ट जो है एक महिला है अच्छा वो वो जो महिला वही पूरा तय करती है कि किसको हटाना है किसको टपकाना है किसको सीएम बनाना है किसको एमएलए बनाना है वगैरह वगैरह जो है वही तय करती है ऑफकोर्स लास्ट में आते आते वो खुद भी राजनीति का शिकार होती है क्योंकि तो वो महिला ही पूरा तय करती है जी, तो वही प्रोटेक्ट है वही वही उसकी हुँ. बेस मतलब दूरी जी, है, जी. है। जी. Uh, सर एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया लेखक है कोई नया राइटर है कुछ लिखना चाहता है रचना चाहता है मन में तो बहुत सारे लोग के बहुत तरीके के भाव आते हैं लेकिन बहुत कम ही हैं जो उसे कागज़ पर उतार पाते हैं और बहुत कम है जो उस कागज़ को भी किसी मंच पर लेकर के जा पाते हैं ऐसे में हम ये समझना चाहते हैं कि नए राइटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और कौन से आपके ऐसे फेवरेट राइटर्स हैं उपन्यासकार हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं जिन्हें आप ज़्यादा सुनते जो हैं नए लिखने वाले हैं उनको मेरा मशवरा होगा कि पहले तो वो खूब पढ़ें अच्छा वो ओवरनाइट जो मतलब होता है ना पॉपुलैरिटी और मकबूलीत पाने की जो ख्वाहिश होती है उसके चक्कर में न पड़े वो पहले वो खूब पढ़ मैं देखता हूँ लिखते हैं लोग कहते हैं कि मैंने ग़ज़ल लिखी है लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं उसमें गज़ल में भी मीटर है सब कुछ है उसका एक व्याकरण है तो उसके भी जो है या नज़्म भी लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं तो पहले तो वो खूब पढ़ें वो और बहुत सारे हैं वो जॉन इलिया को पढ़ें वो आ, क्या कहते हैं फैज को पढ़ें कैफी आजमी को पढ़ें गुलजार को पढ़ें पढ़ने के लिए तो बहुत परवीन शाकिर को पढ़ें हुँ, हुँ। इन लोगों को वो पढ़ें और जाने कि इसका क्राफ्ट क्या है कैसे लिखा जाता है वगैरह वगैरह जो है आपने जहाँ तक कहा कि मेरी पसंद के जो शायर जो हैं तो एक तो नहीं है कई शायर हैं जॉन एलिया मेरी पसंद के बहुत अच्छे शायर हैं और जो आप देखेंगे जॉन एलिया को तो क्या लिखते हैं तुम बहुत नज़दीक आती जा रही हो बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या अब ये दो लाइन से आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें इम्पैक्ट है हुँ हुँ कि तुम बहुत नजदीक आती जा रही हो बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या गुलजार मेरे बहुत पसंदीदा शायर और गीतकार हैं गुलजार के हुँ। का तो खर मतलब जो इमेजरी आप देखेंगे तो बहुत मुख्तलि है वो भिल्कुल, भिल्कुल। बहुत ही मतलब वो सब कभी क्यों लगता है कि ये कहाँ से आया तो फिर मैं सोचता हूँ ये गुलजार ही कर सकते हैं हमने देखी है उनकी आंखों में महकती खुशबू इस तरह से तो आँखों में महकती खुशबू ये जो इमित वो गुलजार का ही हो सकता है या लफ्स बैठते ही बैठते ही नहीं कागज पर तितली की तरह उड़ते फिरते हैं कब से बैठा हूँ सादा कागज़ पर लिख के नाम तेरा तेरे नाम से बेहतर भी नजम क्या होगा इस इस तरह से जो है वो गुलजार का तो गुलजार का अपना एक है फिर उर्दू जबान पर जो गुलजार ने जो लिखी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है बिल्कुल तो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको जो है मुझे लगता है कि बशीर बद्र निदा फाजली बिल्कुल बिल्कुल निदा फाजली बहुत खूबसूरत राइटर्स इंदौरी साहब भी अब तो फौत हो गए लेकिन उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत कमाल हाँ, निदा है। को भी आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि बहुत मतलब जो है अब देखिए ये कुछ लाइन में बताता हूँ जिसे निदा फाजली का जो है हर आदमी में होते हैं दस बीस चेहरे हर आदमी में होते हैं दस बीस चेहरे जिसे भी देखना हो कई कई बार देखो जी बिल्कुल तो आप देखिए कि एक आदमी अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है और इस दो मिसरे से फादरी ने कितनी तो खूबसूरत बात कह दी है जी, जी। या घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें आज किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया बहुत सहज लिखते हैं और इतना कमाल का ये सारे लोग लिखते हैं और मुझे लगता है कि जो लोग नया आ, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं नया रचने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसा कि नीलांशु रंजन जी ने कहा ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा पढ़िए बेहतर पढ़ेंगे तभी बेहतर लिख पाएंगे सर आप हमारे कार्यक्रम में आए हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला इतनी अच्छी बात आपने उनसे साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आपका बहुत शुक्रिया दर्शकों सूचना क्रांति के इस दौर में जो सूचनाएं आपके पास आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही हैं कौन उन्हें लेकर आ रहा है किस एजेंडा के साथ लेकर के आ रहा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है और आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत गंभीरता से इस विषय पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज मनाया जाता है और पूरे देश में ये दिन जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारिता का क्या योगदान है समाज के विकास में और कैसे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है पत्रकारिता इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके विषय में आपको बता दूं वो बिहार में पत्रकारिता कि उस समय के वो नामचीन व्यक्ति हैं जिन्होंने उस दौर में पत्रकारिता की शुरुआत की नब्बे के दशक में और लेट एटीज़ और नाइन्टीज़ के उस दशक में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की जहाँ कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो पत्रकारिता की दुनिया में आ रहे थे लेकिन इन्होंने इस दुनिया में कदम रखा और बदला और बहुत कुछ बदला आकाशवाणी दूरदर्शन और टेलीविजन के अन्य माध्यम जो हैं उनके साथ उनका जुड़ाव रहा आज भी एक समाचार पत्र के वो संपादक हैं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं तो आइए राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उनसे ही जानते हैं कि वो क्या कुछ आज बताना चाहते हैं तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रवीण बागी सर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम धन्यवाद आपका भी अभिनंदन जी सर राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आज चर्चा हो रही है सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं कि ये दिवस क्या है और इसका क्या महत्व है और क्यों पूरे देश में इस पर बातचीत हो रही है और इस दिवस को मनाने की ज़रूरत पड़ रही है देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो स्वतंत्र निष्पक्ष और समर्पित पत्रकारिता के लिए जो राष्ट्र का संकल्प है उसको याद करने का दिन है और ये ये लोगों को ये याद दिलाता है कि पत्रकारिता कैसे अपना काम कर रही है किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है पत्रकारों के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे समय के साथ पत्रकारिता खुद को बदल भी रही है इन तमाम चीज़ों को इसमें याद किया जाता है और जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं का कैसे निराकरण किया जाए कैसे उसका समाधान ढूंढा जाए और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पत्रकारिता को कैसे दबाव मुक्त और स्वतंत्र रखा जाए उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात लगातार होती रही है जी। तो वो एक वातावरण देश में रहे कि पत्रकारों को अपना काम करने में कहीं कोई बाधा ना हो कोई कठिनाई उनको ना आए तो इसी संकल्प को दोहराने के लिए और बार बार याद दिलाने के लिए ये प्रेस दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपना काम नहीं सॉरी माफ करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया था गठन तो उसका पहले हो चुका था मगर ऑफिशियली काम उसने इसी दिन शुरू किया था 16 नवंबर 1966 को जी। को तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्थापना की याद में ये दिवस मनाया जाता है चूंकि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों के काम काज को दुरुस्त रखने के लिए और दबाव मुक्त रखने के लिए और जो एक गाइडलाइन है जो एक नीति निर्देशक तत्व हैं पत्रकारिता के उनको आम पत्रकारों तक पहुंचाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है पत्रकारों पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो कोई हमले ना हो कोई अनुचित उनके साथ व्यवहार ना हो ये देखती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो प्रेस के साथ उसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है हुँ, हुँ, तो इसलिए उसकी स्थापना की याद में भी ये दिवस मनाया जाता है सर अभी आप बात कर रहे थे बाधा और दबाव की और अभी आपने प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की अगर बात हम करें वाकई समझना चाहे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो आप उसे कैसे परिभाषित करते हैं आज के समय में देखिए पत्रकार के लिए स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उसको लिखने में बोलने में ये सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं हर एक नागरिक के लिए इसमें कोई बाधा ना हो कोई रुकावट ना हो मगर बोलना क्या है लिखना क्या है इसकी एक सीमा है जी। आप ऐसा लिखें ऐसा बोलें जो समाज के लिए लाभदायक हो और सच हो किसी आप हिडन एजेंडे के तहत कोई झूठी बात फैला रहे हैं समाज में मीडिया के माध्यम से लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं लोगों को भड़का रहे हैं तो ये आ, स्वतंत्रता का मतलब नहीं है स्वतंत्रता का मतलब है कि जो सच है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी आज़ादी पत्रकारों को होनी चाहिए और आम तौर पर इस देश में ये माहौल है कि पत्रकारों को स्वतंत्रता पूर्वक का अपना काम करने की पूरी आज़ादी होती है नहीं। नहीं। बीच बीच में बाधाएं हाँ आई जैसे याद करना चाहेंगे हम कि इमरजेंसी में उस समय प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये प्रेस सेंसरशिप लाया था इमरजेंसी जो लाया था तो उस समय एक बाधा आई थी स्वतंत्र पत्रकारिता के मार्ग में फिर उसके बाद जब उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रेस बिल लाया था जिसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ अंत में फिर वो विड्रॉ करना पड़ा उसको बिहार का इसमें उल्लेखनीय योगदान है बिहार का भी नाम आता है उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी एक बिहार प्रेस बिल लाया था जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई और पत्रकारों ने जबरदस्त आंदोलन किया जी। तो अंत में वो भी बिल सरकार को वापस लेना पड़ा तो जब जब प्रेस की आवाज उसकी स्वतंत्रता उसके काम करने की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश हुई है देश के पत्रकारों ने एकजुट होकर के और उसका प्रतिकार किया है और सबसे जो प्रसन्नता और संतोष की बात है कि इसमें जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है और अंत में सरकारों को वापस अपने कदम खींचने पड़े हैं हुँ, हुँ। तो ये एक संतोष की बात है और आम तौर पर बाकी ऐसे कहीं कोई बाधा नहीं है पत्रकारों को अपना काम करने में और पूरी निष्पक्षता से पत्रकार अपना काम कर जी जी और जिस तरीके से वैकल्पिक मीडिया अब हमारे सामने आई है सर तब से तो दबाव और भी कम है लोग अपने तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन आज के समय में अगर आज इस दौर में जिस दौर में आप और हम हैं उस दौर में पत्रकारों के समक्ष वाकई चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिनसे उन्हें रोज़ गुजरना पड़ रहा है और उसके लिए प्रेस काउंसिल या जो और आयोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं देखिए ये बदलाव का दौर है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने शुरुआत की थी आकाशवाणी से जी। उसके बाद फिर प्रिंट मीडिया में आया लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में रहा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आया उसमें भी काफ़ी समय तक मैंने काम किया कई चैनलों के साथ काम किया और फिर अब डिजिटल मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ तो पत्रकारिता की जितनी विधाएँ हैं जितने माध्यम हैं उन सबको सीखने और समझने का अवसर मुझे मिला है तो अभी का जो दौर है वो डिजिटल मीडिया या जिसको कह सकते हैं आपकी सोशल मीडिया सोशल मीडिया का समय है मगर ये अभी सैसवा अवस्था में है अभी इसको बहुत कुछ सीखने और मैच्योर होने की जरूरत है तो सोशल मीडिया का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इससे ये हो रहा है कि जो छोटे छोटी खबरें जो गांव में सुदूर क्षेत्रों में जहाँ तक मेन मीडिया नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ की खबरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को तक पहुँच जा रही हैं और फिर उसको अगर समझते हैं मेन मीडिया के लोग तो जाके उसको बड़े पैमाने पर उसको कवर करते हैं तो सोशल मीडिया की ये ताकत है और मोबाइल के माध्यम से हर आदमी की मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई है तो अब वो सोशल मीडिया दिन भर देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है और मोबाइल जर्नलिज्म की भी शुरुआत मोबाइल जर्नलिज्म पहले बड़े बड़े भारी भारी कैमरे लेकर के चैनल के लोग जाते थे और अब तो मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट और असेंबली की रिपोर्टिंग भी जो है वो मोबाइल से कर रहे हैं लोग तो एक तरह से ये नई क्रांति है और सरलीकरण भी है मैंने वो दौर भी देखा है उस दौर में काम किया है जब बाहर के ज़िलों से अपने मुख्यालय तक खबर पहुंचाने के लिए पत्रकारों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी उस समय या तो आप लिख करके और फिर पोस्ट से भेजिए डाक से भेजिए उस समय कुरियर भी नहीं हुआ करता था कि जो तेज़ी से आपका पत्र पहुंचा दे समाचार पहुंचा दे या फिर बहुत ज़रूरी खबर है तो टेलीग्राम कीजिए तार घर में जा के उस समय तार तो अब समाप्त हो गए समय तार घर हुआ करते थे तो जा के वहाँ से टेलीग्राम कीजिए वो तुरंत मिल जाता था ऑफिस में तो एक वो दौर था फिर वो दौर आया टेलीविजन में मैंने देखा कि बाहर के संवाददाता कोई खबर किए कवर किए तो वो टेप भेजते थे बस से या फिर ट्रेन से उसके ड्राइवर को दे दिया गार्ड को दे दिया और फिर वो अपने मुख्यालय के लोग जाकर के उसको कलेक्ट कर लेते थे वो दौर आया और अब ये दौर है कि तत्काल आप अपनी खबर वीडियो फोटो सेकेंड्स में तुरंत जहाँ चाहे दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव है और इससे मीडिया बहुत फास्ट हुआ है तो ये एक अच्छा बदलाव है और ये है कि आप अब किसी दुनिया के किसी कोने की खबर से अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है कि पत्रकार कैसे अपने को अपडेट करते हैं जो पुराने दौर के पत्रकार हैं उनको अपडेट करने में थोड़ा समय लगता है मगर ये संतोष का विषय है कि वो अपडेट कर ले रहे हैं और एक से एक दिग्गज पत्रकार अभी सोशल मीडिया में बहुत छाए हुए हैं जो जिन्होंने प्रिंट से शुरू किया था पत्रकारिता टेलीग्राम और लेटर के दौर से शुरू किया था तो ये एक अच्छी बात है सर जैसा कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया ने चीजों को बहुत साधारण किया है सरलीकरण किया है उसका ये बात तो एक बहुत ज़रूरी बात है और अहम बात है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि बहुत आसानी से सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें तुरंत शेयर हो जा रही हैं है। है। लेकिन क्या इसे पारंपरिक पत्रकारिता पर कोई असर पड़ा है या फिर सोशल मीडिया पर ये जो जल्दबाजी वाली पत्रकारिता का जो दौर शुरू हो गया है जहाँ ब्रेकिंग्स और फ्लैश इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि वो एक हाइप क्रिएट करें उनके चैनल के व्यूज़ बढ़ें उसको लेकर के आप क्या कहें चाहेंगे क्या कोई रेगुलेशन जैसी चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो इस पर इस पर नजर रख सके नहीं आपकी चिंता बहुत हद हाँ तक सही है हुँ. और ये सोशल मीडिया पर यह एक कमी है उसकी एक बड़ी कमी है और मुझे याद आता है प्रणब मुखर्जी साहब जब राष्ट्रपति थे हुँ. तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर मेरा भरोसा नहीं होता है क्यों इसकी वजह उन्होंने बताई कि मुझे मालूम है कि अखबार में या चैनल में जो खबर आती है उसके पीछे एक एडिटर होता है जो उस खबर को एडिट करता है और तब वो खबर पाठकों तक दर्शकों तक पहुंचती है मगर सोशल मीडिया में कोई एडिटर नहीं है जिसको मनाता है जो चाहता है वो पोस्ट कर देता है तो इसलिए उसकी विश्वसनीयता थोड़ी आ, कम है मगर अब उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है जो सोशल मीडिया हैं जो व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं उसमें बजापता एडिटर होते हैं वो खबरों को एडिट करते हैं उसको क्रॉस चेक करते हैं और तब वो खबर रिलीज होती है तो अभी मैंने शुरू में ही कहा कि अभी ये सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया सैसवा अवस्था में धीरे धीरे बगैर किसी सरकारी हस्तक्षेप के वो खुद अपना सेप लेगा ले और जैसे मेन मीडिया है अखबार और टेलीविज़न चैनल तो उसकी तरह वो भी हो जाएगा और जो दूसरी बात आपने कही कि उससे क्या खतरा है सोशल मीडिया के उदय से तो ये बिल्कुल आ, मैं इसको नहीं मानता कि कोई खतरा है क्योंकि सबका अपना अपना स्पेस है आप सोशल मीडिया पर कितनी भी खबर देख लीजिए टेलीविजन पर कितनी भी खबर देख लीजिए मगर जो पढ़ने का एक सुख है वो तो अखबार पढ़ के ही मिलता है जब टेलीविज़न आया नया नया प्राइवेट चैनल सब आए न्यूज चैनल आए तो उस समय लोगों ने कहा कि अब अखबार का काम समाप्त अब चैनल के आगे अखबार कौन पढ़े और दावे आने लगे कि कुछ दिनों में अखबार ही खत्म खतम खत्म हो जाएगा मगर आप इसकी गवाह हैं कि हाँ। कैसे अखबारों का विस्तार हुआ और खास करके क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों का बहुत विस्तार हुआ नए नए एडिशन निकले आप बिहार में आज देख लीजिए कि कितने सारे शहरों से उसके एडिशन निकल और ई संस्करण भी आ गए ई संस्करण भी आ गए तो वो भी अब डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं चैनल भी डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये सब मिला जुला करके पाठकों को अधिक से अधिक दर्शकों को जानकारी देंगे और जानकारी का ये समय है जिसके पास जानकारी होगी वही ताकतवर होगा जी, जी। तो इस ताकत में सभी को मिल करके काम करना है कि हम आम नागरिक को ताकतवर बना सकें उसे सही जानकारी उस तक पहुंचा सकें जी, जी। इसी को याद करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं जी सर क्या पत्रकारिता का उद्देश्य बदला है क्योंकि पारंपरिक पत्रकारिता में हम देख रहे थे कि वहाँ जैसा कि आपने कहा कि वहाँ बड़े रूल थे रेगुलेशन थे कोई एडिटर है उसके ऊपर कोई एडिटर इन चीफ है जो लगातार उस खबर को क्रॉस चेक कर रहा था अब क्रॉस चेकिंग कम हो गई है और लोग लगातार चीज़ों को जो है वो पोस्ट कर रहे हैं ऐसे में क्या उद्देश्य भी आपको लगता है कि कुछ बदला है कुछ पत्रकारिता के जो ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं सत्यता निष्पक्षता उसमें कुछ बदलाव आया है नहीं जो मूल सिद्धांत है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है उसको आप बदल भी नहीं सकते कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो हो रहा है कि कि देखिए जो हम बात करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता जी। तो जब तक पत्रकारिता आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात करना बेमानी है आर्थिक स्वावलंबन पत्रकारिता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हु। अगर आर्थिक स्वावलंबन आ जाएगा तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता तो अपने आप आ जाएगी जी, जी. मगर ये अभी भी इसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है आर्थिक स्वावलंबन के मामले में थोड़ी कमी है जी. इस देश में पत्रकारिता में और ढेर सारे अखबार चैनल बंद हो जाते हैं आर्थिक संकट के कारण वो चला नहीं पा रहे हैं हुँ. तो कोई ऐसी एक व्यवस्था डेवलप करने की ज़रूरत है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग भी आएँ उनका कम से कम सैलरी समय पर मिल जाए वो उनका संस्थान ठीक से चल जाए इसकी व्यवस्था हो और ये सरकार के द्वारा न हो ये कोई नई व्यवस्था इसके लिए आ, करनी पड़ेगी ताकि उस पर सरकार का भी दबाव ना हो मगर सामाजिक कंट्रोल जरूर हो जी सर प्रेस परिषद की जब का जब गठन हुआ और ये सुचारू रूप से जब चलना शुरू हुआ तो वेतनमान को भी लेकर के एक बात थी मजीठिया की भी बात लगातार हुई है क्यों ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं ग्राउंड लेवल पर जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक स्वावलंबन हो जाएगा तो चीज़ें बहुत सहज हो जाएंगी आसान हो जाएंगी पहले से बेहतर हो जाएंगी आप इसे कैसे देखते हैं बिल्कुल देखिए सरकार ने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि पत्रकारों का जो है वेतन एक सुनिश्चित हो और अच्छा वेतन मिले कि वो ठीक तरीके से अपने घर परिवार का पालन कर सकें मगर उसमें कई बाधाएं आती हैं जो प्रबंधन है प्रबंधन के सामने भी मजबूरी ये होती है कि उनके पास पर्याप्त आय नहीं है तो जो आय होती है उसी में कुछ उसके विस्तार में भी खर्च करना है शेष अपने स्टाफ के ऊपर खर्च करना है तो ये इसीलिए फिर बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है कि आर्थिक स्वावलंबन जरूरी है अब बड़े बड़े औद्योगिक घराने इसमें आ रहे हैं इससे जरूर पत्रकारिता थोड़ी प्रभावित हुई है क्योंकि बड़े औद्योगिक घरानों का अपना इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते वो हाउस नहीं जा सकता तो जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके अतिरिक्त छोटे छोटे जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में वैसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है तभी पत्रकारिता मजबूती से चल पाएगी स्वतंत्र और निष्पक्षता से पत्रकार काम कर सके सर ऐसे में ही एक बात अभी मेरे दिमाग में आई कि ऐसे में लघु और मध्यम जो अखबार हैं स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स उनको आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि वो इस दबाव से मुक्त हैं इस कॉरपोरेट कल्चर से वो मुक्त हैं और वो काफ़ी क्रांतिकारी काम कर रहे हैं कई सारी ऐसी खबरें जो हैं हमें छोटे स्मॉल न्यूज़ से मिलती हैं आप जुड़े भी रहे हैं उसे कैसे आप देखते हैं बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है मगर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है वही आर्थिक स्वावलंबन की क्योंकि आप छोटे और मझोले अखबारों को देखिए उनके कर्मचारियों की हालत बड़ी खराब होती है आ, उनको वेतन समय पर नहीं मिल पाता है आ, बाकी की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाता है बहुत कम संसाधन और सुविधाओं के बीच उनको काम करना पड़ता है तो ये ठीक है कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है उन पर मगर वो समझौता करने के लिए विवश हो जाते हैं अब कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं तो ऐसे में जो भी कोई शर्त लागू करना चाहेगा पैसे दे करके तो वो बहुत आसानी से ये हो सकता है दबाव बना सकता है तो ये सबसे जो जरूरी मैं इसको फोकस करना चाहता हूँ कि पत्रकारिता तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सकती है जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जो नवोदित जो पत्रकार हैं जो नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें आप क्या कुछ बताना चाहेंगे पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में या सामाजिक उत्तरदायित्व की एक जो जिम्मेदारी है पत्रकारिता पर उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे आ, बताने का क्या है नए लोग तो ज़्यादा टैलेंटेड हैं ज़्यादा योग्य हैं मगर ये देख करके बड़ा तकलीफ होती है कि वो जानकारी का बड़ा अभाव रहता है युवा पीढ़ी में पढ़ाई अच्छी करते हैं मगर जनरल नॉलेज उनका बहुत कम रहता है कमज़ोर रहता है लिखने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है बोलने की क्षमता भी अच्छी नहीं होती है तो जब तक ये चीज़ें आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते हैं ये ठीक है कि कहीं आप नौकरी पा गए किसी संस्थान में काम करने लगे पत्रकार का बिल्ला लग गया आप पर मगर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं आप और एक अच्छे पत्रकार के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रोज़ अपने को बदलना होगा नहीं। और नई नई चीज़ें सीखनी होंगी जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें जितना ज़्यादा लिख सकें वो मूल मंत्र है पत्रकारिता का कि आप रोज बदलने के लिए तैयार रहिए और अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करते रहिए तभी आप चीजों को सही तरीके से अपने पाठकों के सामने अपने दर्शकों के सामने पेश कर पाएंगे, पाएंगे। और फिर उनका भी ज्ञानवर्धन कर पाएंगे तो पत्रकारिता को का, का जो मूल काम है वो जनता के फ्रेंड फिलॉसफर और गाइड के रूप तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद जानकार हो तो जानकारी सबसे जरूरी चीज़ है पत्रकारिता और जानकारी मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने के साथ साथ आज के समय में तकनीक की भी जानकारी उतनी ही ज्यादा ये तो सबसे जरूरी है बगैर तकनीक के आप सिर्फ लिख करके कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल बिल्कुल और तकनीकी आपको मालूम है कि कैसे हम इसको ये कर सकें तो आप बगैर किसी संस्थान में जाए हुए खुद एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर आप हमारे कार्यक्रम में आए हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आपने इतनी अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका भी तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और आपको बता दूँ की अगली सुबह आप हमारा ऐसे ही इंतजार कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही ज्ञान बातों के साथ ऐसे ही अच्छे गेस्ट के साथ हम आपका परिचय करवाते हैं हर रोज तो आप देखते रहिए डी डी बिहार नमस्कार